बातचीत तो हम सब लोग एक दूसरे से करते हैं, पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्या पेड़ पौधे भी आपस में बातचीत करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना फैक्ट डिटेक्टर और मैं आज एक नई वीडियो ले जाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थिंग्स टू टाइप्स की होती है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग। यह हमें स्कूल लाइफ में बताया जाता है, पर क्या पेड़ पौधे आपस में बातचीत कर सकते हैं यह हमें स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं बताया जाता। हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह पता लगा है कि पेड़ पौधे आपस में बातचीत कर सकते हैं। उनका मीडियम रूट्स यानी जड़ होता है। वह बातचीत किसी भी भाषा या लैंग्वेज के द्वारा नहीं करते। उनके भाषा करने का तरीका जो वह अपनाते हैं वह होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यह एक ऐसी प्रोसेस है जैसे फर्स्ट डेस्क से कोई नोटबुक एक एक कर लास्ट डेस्क तक जाती है। यह सुनकर भले ही आप आश्चर्यचकित हो रहे हो, पर यह बात बिल्कुल सच है। इसका प्रूफ आप नेट पे यानी गूगल पे ब्राउज करके देख सकते हैं। जैसे एक पेड़ से कोई बात दूसरे पेड़ पे जाए और दूसरा वही बात तीसरे को भेजे, ये इस तरह यह प्रोसेस होती है। पर एक क्वेश्चन हमें आता है कि यह बात करते क्या है। साइंटिस्ट द्वारा यह बताया गया कि यह बात होती है इनके सर्वाइवल की, जैसे वाटर या कार्बन जैसे ऐसे एलिमेंट जो इन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे सामने यह बात भी आती है कि यह क्या यह अपने सर्वाइव के एलिमेंट्स शेयर करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आपस में वाटर और कार्बन जैसे एलिमेंट भी शेयर करते हैं। कब फूल उगाने हैं, कब पत्ते झड़ते हैं, कब सूरज उगना है और कब सूरज ढलेगा, और इन्हें दिनों की भी खबर होती है। जिस तरह हम एक बच्चे को परिवार में पालते हैं, उसी तरह यह एक छोटे पौधे को मिलकर एक साथ पालते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि इनके पास एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है। जैसे कोई पेड़ नहीं उग पाता तो यह उसकी मदद करते हैं। जिस तरह अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स के कैटेगरी में भी अच्छे और बुरे ट्रीज होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बुरे ट्रीज हालांकि मात्रा में बहुत कम होते हैं, बल्कि अच्छे ट्री की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एक साथ मिलकर रहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।